अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज मैं अपनी फैमिली के साथ एक दोस्त के घर आया था यहां अनसंग में। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फूलों का पार्क है जिसे अनसंग मच्छम लेंथ कहते हैं। तो यहां पर ये मेरा कज़न भी है और मेरा बेटा भी है, ये शुगल भी कर रहे हैं। और इस पार्क में बहुत सारे आगे चल के दिखाते हैं आपको, यहाँ फूल भी होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें घूमने फिरने की होती हैं। आगे चल के वो भी देखते हैं, इंजॉय भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। जी प्यारे दोस्तों, फिर थोड़ा मज़ीद जब इस पार्क में हम आगे चलते हैं तो आगे मज़ीद आप चल कर देखते हैं कि ये कितना प्यारा और ख़ूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस पार्क को सजाया और बनाया हुआ है। ख़ास तौर पर जब यहाँ पर गर्मी आती है कोरिया में, तो गर्मियों में वैसे तो कोरिया में पहाड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब पहाड़ों के ऊपर सब्ज़ा होता है तो वो बारिश की वजह से बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, जिसे देखकर बहुत मज़ा और सुकून मिलता है कि जो है ना कोरिया में एक होता है नेचुरल ब्यूटी और एक होता है मसनूई ब्यूटी जो इन्हें बना के रखते हैं। तो इसी तरह यानी कि आप इस पार्क में अगर आते हैं तो अगर आपको एक घंटा या दो घंटे भी टाइम है तो अगर आप इसमें घूमते रहते हैं देखते रहते हैं तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। वो जो आपको दूर तक वो नज़र आ रहा है तो उसके अंदर भी कोई चीज़ देखने की है। ये देखिए जनाब, ये जब हम ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं तो ये हमें बहुत तंग करता है, जहाँ पे जाते हैं आगे पीछे घूम घूम के हम ऐसे ऐसे बातों से फीलिंग देता है कि जिसे देखकर हम भी सोचते हैं कि काश हमारा बचपन ऐसा था या पता नहीं कैसा था, जो आजकल के बच्चे हैं वो कैसे हैं और जो पहले दौर के हम जैसे थे वो कैसे थे। हम तो डरते थे बाप से बात करते हुए, ये तो कहते हैं बाबा पैसे निकालो बस। ये जनाब देखें, ये थोड़ा पानी टाइप इन्होंने बनाया तालाब और इसमें ये इसके अंदर दाखिल हो गया है ये पानी। इसमें वट्टा डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा। नंबर है वट्टा नंबर है या ये यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद हम आगे ऊपर चलते हैं। कितने प्यारे प्यारे दरख्त, कितने प्यारे प्यारे फूल और कितने कितने प्यारे प्यारे ये बेवकूफ़ बच्चे मुझे जान के तंग कर रहे हैं कि हमारा अबू ये वीडियो बना रहा है, तो वीडियो हम इसे नहीं बनाने देंगे या बनाएंगे तो ये हम इसे तंग करेंगे। ये देखिए जनाब, ये कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं और कितना प्यारा प्यारा सीनरी है। ये देखें जनाब, ये खेतान जिसे खड़ा गया है, ये देखें सड़क इन्होंने कैसे प्यारा बनाया हुआ है। व्यू चेक करो, व्यू देखो, आगे से भेड़े भी खड़ी हैं और भेड़ों वाले नीचे नीचे और भेड़ों। जी प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं तो ये स्टैचू बनाया हुआ है और यहाँ से ऊपर से बंदा खड़ा होकर जब ये नीचे देखता है तो ये देखें, ये कोरिया की ग्रीनरी, कोरिया के पहाड़ और ये सारा पार्क है और इतना प्यारा और ब्यूटीफुल पार्क है कि बंदा सारा दिन भी यहाँ पर आए, इंजॉय करे, घूमे फिरे, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। जी प्यारे दोस्तों, जब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं तो ये इन्होंने देखें मसनूई भेड़ें बनाई हुई हैं, लोग इनके ऊपर फ़ोटो बनवाते हैं, आके तस्वीरें बनाते हैं, इसके साथ जो बच्चे होते हैं वो हंसते हैं, खेलते हैं और इंजॉय करते हैं। ये देखिए। जी मेरे दोस्तों, जब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं तो देखें ये छोटे छोटे दरख्त तरतीब के साथ कैसे कैसे लगाए हुए हैं, जिन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि एक नेचुरल ब्यूटी होती है और एक मसनूई ब्यूटी होती है। तो इन्होंने मसनूई ब्यूटी को किस तरह एक अपने और बेहतरीन और अच्छे अंदाज में बनाकर सामने पेश किया हुआ। ये जनाब, जब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे गए हैं तो आगे जाते हुए ये एक और इसकी जगह है जिसे हंगुमाल में कहते हैं अनसंग मच्छम चुनमन ख्वा हकम्यन। और उसी के साथ साथ ये इन्होंने कोरिया में जो इनका लकड़ी के जो दरख्त थे उसकी भी इन्होंने ये एक बेहतरीन एक जगह बनाई हुई है जिसे देखकर मज़ा आता है और देखते हुए बंदा इंजॉय भी करता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिटी है अनसंग सिटी, ये खेंगी दो में आता है और अनसंग सिटी ये वो सिटी है कि जहाँ पर ई सामान लेने के लिए आपको इस एरिए के 10 पॉइंट भी मिलते हैं अगर आपने इस एरिए में काम किया हुआ है तो। जी प्यारे दोस्तों, ये देखें हम थोड़ा मज़ीद ऊपर भी गए हैं, उसके बाद जब हम नीचे वापस आ रहे हैं
ये देखें अनसम जो पार्क है उसका माहौल देखें। ये नीचे का व्यू है और यहाँ पर नीचे ये छोटे से बच्चों का पार्क भी है, यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा वो ऊपर तक जाएंगे तो वो भी बहुत कुछ है। और इस जगह पर देखें ये बड़ी बात है कि यहाँ पर ये ऊपर बच्चे बैठ कर स्केटिंग टाइप करते हैं, लेकिन आज जो है ना अभी तक यहाँ पर छुट्टी है। ये जब हम थोड़ा नीचे और हैं तो ये बच्चों के छोटे छोटे पंगूड़े वाले बने हुए हैं, यहाँ बच्चे झूले खा रहे हैं, इन्हें देख कर बड़ा मज़ा आता है और अच्छा लगता है। कितना प्यारा और खूबसूरत माहौल है यहाँ कोरिया में, बच्चों का एक पार्क है। ये फिर यहाँ बच्चे फिर ये गेम खेलते हैं। लाला अभी जवाब पकड़ के दिया बाल वापसी की दिया। हाँ ऊपर जान दो, चलो हम छोड़ दे। जी प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा जब मजीद आगे आते हैं तो ये है अनसोंग सागे छुरू सुलमे जंग, और उसके अलावा इसके साथ साथ ये थोड़ा सा तालाब टाइप बनाया हुआ है मछलियों का, उसमें बंदा मछलियां वगैरह देख सकता है। तालाब है, घास है, और ये भी बहुत ही अच्छी और प्यारी घूमने की जगह है। और ये एक ही जगह है, ये यानी कि ये उसी के अंदर ही शुमार होती है, ये इसके अलावा बाहर नहीं है। ये जो जिसे बोहड़ का पानी कहते हैं या पता नहीं, आप लोग पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती थी, इनके नीचे बहुत कुछ पहले भी होता था। ये देखें प्यारे भाई, ये उसका जो पानी है उस पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां भी हैं, ये गौर से देखें तो। कितने ये देखें छोटी छोटी मछलियां, ये देखो प्यारे दोस्तों, ये एक बड़ी मछली आ रही है। ये देखो अब ये कहती है कि कुछ चीज़ खाने के लिए मिले।